हमारे राज्य का दोष है, यही हमारे देश का दोष है कि पढ़े लिखे लोग नेता नहीं बनना चाहते हैं। आज शर्म करते हैं नेता नाम से, आज शर्म करते हैं कि अगर कोई किसी को नेता बोला तो शर्म करता है। जी नहीं, आज से 70 साल पहले 80 साल पहले आप याद कीजिए, नेता नेताजी बोस को बोला जाता था, लेकिन आज इन नेताओं ने नेता शब्द के स्तर को गिरा दिया है। आज जनम महतो ये वचन लेता है कि झारखंड में उस नेता के शब्द का उत्थान करेगा, उस नेता का जो नेतृत्व का अर्थ होता है उसका उत्थान करने का ये दृढ़ संकल्प हम लेते हैं। इसलिए आइए, बड़े शर्म की बात है राजकुमार भैया जो आपके मुख से आता है कि हमको नेतागिरी नहीं करना है, नेतागिरी करनी चाहिए। आज एक बात बताइए, आज लोग कहते हैं नेतागिरी, मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि नेतागिरी का मतलब क्या होता है। आप नेतागिरी करते हैं, पहले आप समझिए किसने कहा आप नेतागिरी नहीं करते हैं। आप जो उन बच्चों को खाना खिलाएं, उनको जो बेड दिलाएं, वो भी नेतागिरी का पार्ट है। नेतागिरी मतलब क्या? नेतृत्व करना, लोगों की मदद करना। नेतागिरी का मतलब नहीं है कि चुनाव में भाग लेना, पहले नेतागिरी का मतलब समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीडरशिप। सांसद पीएन सिंह के बारे में बोलने बोल रहे हैं। देखो वृद्ध हो चुके हैं, उन पर क्यों चर्चा करें? मैंने पहले कहा है महिला वृद्ध और बच्चों को हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे, बीमार विकलांग पर हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे। वो वृद्ध हो चुके हैं, अब अंतिम स्थिति में है, वो अब अपने नाती पोता को खिलाएंगे। अब हम क्या कह रहे हैं सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट। धनबाद लोकसभा के लिए पूरे होश और हवास में कह रहे हैं अगर राजकुमार मंडल हमारे प्रत्याशी होंगे, क्योंकि मंडल समाज की आबादी है उस, यानी अगर सामाजिक न्याय की बात करें तो मंडल के साथ भी जाना कोई गलत नहीं होगा, अल्पसंख्यक के साथ जाना कोई गलत नहीं होगा, कुर्मी के साथ जाना वहाँ कोई गलत नहीं होगा, वहाँ स्वर्णों की भी अच्छी खासी आबादी है, आदिवासियों की भी आबादी है, दलितों की आबादी है, तो कुल मिलाकर सामाजिक न्याय इसको एकदम किसी भी एंगल में ये वीडियो कट नहीं होना चाहिए। हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय मतलब यानी कहीं ना कहीं भारत एक जाति आधारित देश है। आज कई समुदाय हैं, कई वर्ग है, हम लोग किसी को नाराज नहीं करेंगे। अभी गिरिडीह का देखिए लिस्ट जारी हुआ है पर्यवेक्षक का, भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी का, काम जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो रहे हैं। और एक बात बताइए, झारखंड में कितनी कंपनियां आउटसोर्सिंग में है, कितनी कंपनियां टेंडर ले सकती है, ईमानदारी से बताइए, लॉजिकली समझिए। झारखंड में कोई नामी कंपनी नहीं है जो किसी भी काम के लिए अगर टेंडर निकाला जाए, जो आउटसोर्सिंग का ही क्यों ना हो, जो टेंडर को ले सकती है। वो कहाँ के लेती है? भागलपुर से लेती है, हैदराबाद से लेती है, गुजरात से लेती है, सूरत से लेती है, लखनऊ से लेती है। टेंडर भरने वाले लोग लखनऊ के, सूरत, गुजरात और अलाहाबाद और बनारस और पटना के हैं, तो जब वो काम कराएंगे तो अलाहाबाद और पटना वालों को ही ना कराएंगे, तो वहाँ हमारी नौकरियों को लूटा जाएगा। और जब सरकारी नौकरी बचेगी नहीं, सरकारी नौकरी है कितनी, तो समझ सकते हैं स्थिति क्या होगी। उदाहरण धनबाद का देख लीजिए, लगातार छात्र लिख रहे हैं कि भैया एग्जाम कैंसिल करवाइए। बिल्कुल, एग्जाम कैंसिल करने को लेकर हम लोग जगह जगह चौक चौराहे पर प्रदर्शन करेंगे और एग्जाम कैंसिल होना ही चाहिए। लेकिन फिर एग्जाम भी, हमारा दूसरा मांग ये भी होगा, क्योंकि छात्रों छात्राओं ने बहुत बर्दाश्त किया है, उनके सपनों के साथ किसी प्रकार का सौदेबाजी ना हो। अभी सरकार, क्योंकि प्रशासन पूरा अलर्ट, आपको लगता है कि छात्र के साथ सीएम नहीं आएंगे अभी फिलहाल, क्योंकि वो अपने आप को बचाएंगे, राजनीतिक स्वार्थ में अपने आप को बचाने पर फोकस करेंगे। वो अगर दिमाग अपना लगाएंगे भी तो ईडी से बचने के लिए, हो सके वो बीजेपी का दामन थामेंगे। चलिए कोई बात नहीं, विधायक दल का बैठक हो रहा, सरकार गिरने वाला ये कह रहे हैं, संभावना हो सकती है, इसके लिए आप नकार नहीं सकते हैं, इनकार नहीं कर सकते। नहीं गिरेगी नहीं, कुछ लोग लिख रहे हैं कि जेएमएम के छात्र विंग कहाँ है अभी। देखिए जेएमएम के छात्र विंग, जिस प्रकार मोदी जी का मैंने बचाव के लिए उनकी विंग है, जेएमएम का बचाव करने के लिए उनकी विंग है। सबकी विंग अपने नेता का बचाव करती है, अगर उनका नेता बुरा भी हो गलत भी हो फिर भी बचाव करती है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि संथाल परगना में भी जेबीकेसेस को फैलाइए। हाँ निश्चय, हमारे जो प्रधान सचिव हैं वह अपने एक विशेष टीम के साथ संथाल परगना कुछ करेंगे। लिख रहे हैं दादा 2024 में चलेगा जयराम महतो तभी धांधलियों से मुक्ति मिलेगा। खैर ये तो उनकी आस्था का विषय है, लेकिन हम लोग इतना विश्वास दिलाते हैं धांधलियों के लिए कोई जगह नहीं होगा, अगर गोली खानी पड़े तो गोली खाएंगे, लेकिन धांधलियों का कोई जगह नहीं होगा। कुछ लोग लिख रहे हैं कि रांची और धनबाद लोकसभा से कौन उम्मीदवार होगा। देखिए सबसे पहली बात, हम लोग थोपा हुआ लीडर नहीं बनाएंगे, जब उम्मीदवार देंगे तो रांची में जितने भी अभी तक हमारे एक्टिव लोग हैं उनके माध्यम से देंगे। हमने हजारीबाग और कोडरमा में इसको अप्लाई कर चुका है, लेकिन रायशुमारी अभी तक नहीं बन पाई, यानी जिसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से उम्मीदवार फलना हो सकता है, लेकिन जब हम लोग ग्राउंड में चर्चा करते हैं तो रिजल्ट कुछ और मिलता है, और हम लोग रायशुमारी करने के बाद एक कैंडिडेट की घोषणा करेंगे, चाहे गिरिडीह क्यों ना हो। कुछ लोग लिख रहे हैं कि उस हिसाब से इनका भी विंग होगा, माने आपका भी विंग है क्या? नहीं, हमारा विंग नहीं है, हमारा विंग ऐसा है, और हम अपनी विंग अगर है भी तो उनसे कहेंगे अगर हम गलत रहेंगे हमारी भी आलोचना कीजिएगा, हम गलत रहेंगे आप एकदम बिल्कुल चिट्ठी लिखिएगा कि हम आपसे नाराज हैं, इस स्थिति को लेकर आपसे नाराज हैं, हमारा आँख बंद करके समर्थन मत कीजिएगा, हम एक विचार हैं, शरीर नहीं है जो हम आपसे आँख बंद करके समर्थन मांगेंगे, हमारा समर्थन तभी कीजिएगा जब हम सही होंगे। लिख रहे हैं कि राम जी रथ अयोध्या निकलकर बिहार होते हुए झारखंड पहुंच चुका है, बिहार तो ऑलरेडी सरकार गिर चुकी है, बदल चुकी है, क्या झारखंड में भी सरकार गिरने वाली है?
देखिए संभावना से आप खारिज नहीं कर सकते, लेकिन मुझे उम्मीद है कि झारखंड में जो वर्तमान सरकार है उथल पुथल ना हो, एक साल बचा ही है, चाहे सरकार किसी की हो, जब जनता ने चुना है तो हम लोग गिरने पर गिराने पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर वो गलती करेगी तो अगले बार सरकार को बदलने का हम जनता ही करेंगे। एक बहुत भोली से हमारे बहुत आंदोलनकारी मित्र है रंजीत कुमार बिल्लू, वो लिख रहे हैं कि आप स्वयं क्या लिख रहे हैं, हाँ श्रमिक यूनियन बनाए ताकि कोल इंडिया से सीधे बात हो सके। बिल्लू दा आपने सही कहा, हमें भी लगता है कि पिछले 6 महीना में लगभग हम लोग, अब तो आंकड़ा पार हो चुका है, हम लोग 10 करोड़ बोले थे, फिर 2-3 जगह 15 लाख 11 लाख हो चुका है, यानी हम लोग 12 करोड़ के आसपास जा चुके हैं मुआवजा दिलाने मजदूरों का। तो जब 6 महीना में हम लोग बिना किसी संगठन के 11 से 12 करोड़ मुआवजा दिला सकते हैं, तो अगर हमारा श्रमिक यूनियन होगा तो और अच्छा काम करेंगे। आपकी राय का, आपके सुझाव का स्वागत करते हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे। रंजीत कुमार बिल्लू भोली से। हाँ रंजीत कुमार दा, जोहार आपका। नेक्स्ट सवाल। अच्छा इसमें लिख रहा है गोड्डा में भी पार्टी बनाने के लिए तैयार है जय। ठीक है, गोड्डा हम लोग पहुंचेंगे और उम्मीद करते हैं, आप लोग निश्चित रहिए, पूरा धीरज रखिए। जेएमएम और बीजेपी गठबंधन करने वाली है तो उस समय राज्य में एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में जेबीकेएसएस ही जानी जाएगी। टाइगर दा का प्रोग्राम कल कहाँ कहाँ है? हमारा प्रोग्राम कल बोकारो में है और चंदन क्यारी में महिला समूह के साथ है। कल आपका सभा भी है ना चंदन की? बोकारो में, हाँ बोकारो जिला। कहाँ सभा है कल आपका? रामडी में, विस्थापित चौक रामडी, विनोद बिहारी महतो स्टेडियम। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि TCS के माध्यम से एग्जाम हो, जो ऑनलाइन बरवट धनबाद में है ना, उस मैंने ऑनलाइन एग्जाम कराने का मांग कर रहे हैं, ऑफलाइन बंद करा कर। हाँ मेरा भी मानना है ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हो, और प्लस जो विश्वसनीय है, जैसे बरवड्डा वाला विश्वसनीय है उसके बारे में लोग पॉजिटिव बात करते हैं, तो विश्वसनीयता जिनके पास है ऐसी एजेंसियों को एग्जाम कंडक्ट करने की अनुमति मिले और टेंडर मिले। जयराम जी, तमाम आंदोलनकारी जो छूट गए थे वो वापस आ रहे हैं, तो क्या आप सूर्य सिंह बेसरा जी भी आपके साथ आ रहे हैं क्या? देखिए वो आंदोलनकारी 1987 बैच के हैं, अभी के वो गार्जियन है। तो क्या आपके साथ आ रहे हैं या आप ला रहे हैं? बिल्कुल कहीं लाएंगे। ये चर्चा है कि अब करण महतो जी भी आपके साथ आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उनसे बातचीत हो चुकी है, हमारे साथ दिखेंगे। तमाम लोग आपके साथ आ रहे हैं? हाँ साथ साथ, सब साथ है, हम साथ साथ हैं। अच्छा और सवाल माननीय सम्मानित पत्रकार? कुछ लोग ये भी कह, अभी भी कह रहे हैं कि 4 फरवरी का क्या एग्जाम कैंसिल होगा? देखिए 4 फरवरी को जब पूरा राज सड़क पे होगा तो एग्जाम का बाप कैंसिल होगा, एग्जाम नहीं एग्जाम का बाप कैंसिल होगा। अब शर्त है कि राज्य के अभिभावक कितने तैयार है, क्या अभिभावकों को अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है, क्या अभिभावक कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों से, उनके सपनों से, उनके भविष्य से, अभिभावकों को भी सड़क पे आना होगा। कुछ लोग लिख रहे हैं कि लड़की लोग का इतना इतना दूर सेंटर दे दिया है, बताइए भैया। नहीं, वो मार्मिक दृश्य, उस पर अगर चर्चा करेंगे तो आंखों में आंसू आएगा। हमारे मोबाइल में लगभग दर्जनों बहनों का मैसेज है, मार्मिक है, बिल्कुल मार्मिक है, उसको हम पढ़ना भी नहीं जाएंगे, बहुत मार्मिक है कि गोद में छोटा सा मतलब 2-3 साल का बच्चा बच्ची और अपने पति के साथ, अपने ससुर के साथ, अपने देवर के साथ वो परीक्षा के केंद्र में आई है। जो बहनों का विषय है वो बहुत ही मार्मिक विषय है, हम उस पर बात करेंगे तो शायद हम काफ़ी भावुक हो जाएंगे, हम बात नहीं कर पाएंगे। कोलियरी क्षेत्र में यूनियन बनाने का मांग हो रहा है, बोल रहा है। हाँ बिल्कुल, कल ही हमारे कुछ साथियों से बात हुई है, कोलियरी में हमारी धमाकेदार एंट्री होगी। कब तक? चुनाव के बाद कि पहले? चुनाव के बाद, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगा, माने ये लोकसभा के बाद। लोकसभा के बाद क्या क्या तैयारी है लोकसभा चुनाव का? लोकसभा की आप तो गिरिडीह में कूद चुके हैं। नहीं देखिए गिरिडीह में भले अनाउंसमेंट किए हैं, लेकिन मैं बार बार कहूँ सोशल मीडिया अलग चीज़ है, जब तक राय शुमारी नहीं होगी, हो सके गिरिडीह में कोई दूसरा उम्मीदवार भी हो सकता है, उसकी भी इच्छा सम्मान किया जाएगा। हो सके फरजान खान भी गिरिडीह लोकसभा से आते हैं, मोतीलाल जी गिरिडीह लोकसभा से आते हैं, अजय जिला परिषद भी गिरिडीह से आते हैं, हमारे जगदीश दा भी गिरिडीह से आते हैं, अगर इनकी भी लड़ने की इच्छा है तो उसका सम्मान किया जाएगा। तो हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से प्रत्याशी बनाएंगे, चाहे हजारीबाग रहे, चाहे कोडरमा रहे या रांची रहे। अच्छा एक साथी लिख रहे हैं कि पूर्व विधायक अमित महतो को क्या जेबीकेएसएस में शामिल? उनका स्वागत है, जेबीकेएसएस परिवार में उनका स्वागत है, अमित जी के बिल्कुल स्वागत है। दादा एक दिन रामगढ़ में प्रोग्राम रखिए, आप टाइम दीजिए, इंतजार है हम लोग का। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम लोग धनबाद और गिरिडीह में फोकस किए हैं, रामगढ़ जल जाएंगे। 1932 खतियान छोड़कर, भाषा आंदोलन को छोड़कर बाहरी को रोकने का क्या उपाय कर रहे हैं? देखिए बाहरी 1932 और भाषा से ना रुकेगा, जैसे मान के चलिए सीरियल की परीक्षा थी, अगर कुड़माली खट्टा नागपुरी संथाली मुंडारी में अगर परीक्षा लिया जाता, हमारे गतवा में गुरा भर गए, कौन बाहरी आगे परीक्षा लिखेगा कि गुरा गतवा की लगे। अच्छा। तो परीक्षा बाहरी तभी रुकेंगे, 1932 के खतियान से ही रुकेंगे, बाहरी तभी रुकेंगे जब भाषा से परीक्षा लिया जाएगा। अभी उदाहरण के लिए गुजरात चले गए, चलिए हम बहुत बड़ा इंटेलिजेंट है,
हमने मैट्रिक में 99% लाया है, इंटर में भी 99% लाया है और ग्रेजुएशन में भी हम 99% लाए। हम चल गए गुजरात परीक्षा लिखने के लिए, हम झारखंड के स्टूडेंट हैं और गुजरात में परीक्षा है गुजराती भाषा में, क्या करेंगे हम, आगे अंगूठा दिखा के वापस आएंगे कि नहीं। तो रोकने का वही तरीका है भाषा और 1932 का खतियान। कुछ लोग लिख रहे हैं कि रामगढ़ और कोडरमा कब आ रहे हैं आप? जल्द आएंगे, चुनाव के पर्पस में ही आएंगे। अच्छा, धन्यवाद पत्रकार महोदय आपका। निरसा में जोर दीजिए जयराम जी। बिल्कुल, निरसा में हम लोग जोर दे रहे हैं, निरसा में हम लोग प्रवेक्षक और प्रभारी बनाकर भेज चुके हैं और उम्मीद है निरसा में हम लोग बेहतर करेंगे। पुराने दोस्तों का मीटिंग करो दोस्त। बिल्कुल, पुराने दोस्तों का मीटिंग एक दो दिन के भीतर हम लोग रात में करने जा रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं नहीं आप गिरिडीह से ही चुनाव लड़िए। देखिए नहीं, जब तक जनता से पूछेंगे नहीं, जब तक लोगों से पूछेंगे नहीं, हो सके बहुत सारे कंपटीटर भी हैं, क्यों हम लोग भावना ऐसा उत्पन्न करेंगे। हो सके शैलेश जी भी गोमिया से आते हैं, ये भी अगर लोकसभा लड़ना चाहेंगे तो इनकी भी भावना इच्छा का सम्मान करेंगे, वहाँ राय शुमारी होगी। जैसे इसी ग्राउंड में उस दिन हम लोग प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव किए, बड़ा सिस्टमेटिक किए, 59 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, दो लोगों को 20-20 वोट मिला, एक को 19 वोट मिला, फिर जो केंद्रीय पदाधिकारी थे उन्होंने इंटरफेयर किया और फिर बड़े माने संवैधानिक तरीके से प्रखंड अध्यक्ष को चुना गया। तो गिरिडीह लोकसभा का जो उम्मीदवार होगा उसको भी हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से चुनेंगे। हो सकता है रूपक जी भी गिरिडीह लोकसभा से आते हैं, इनके ये भी लगातार 2 साल से आंदोलन में हमारे साथ रहते हैं, हो सके इनमें भी सांसद बनने का ख्वाब हो, और क्यों ना हो। धनबाद सांसद पीएन सिंह के बारे में बोल रहे हैं, देखो वृद्ध हो चुके हैं, उन पर क्यों चर्चा करें। मैंने पहले कहा है महिला वृद्ध और बच्चों को हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे, बीमार विकलांग पर हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे, वो वृद्ध हो चुके हैं, अब अंतिम स्थिति में है, वो अब अपने नाती पोता को खिलाएंगे। धनबाद में हम लोग हॉट उम्मीदवार देंगे और हम पूरे होश और हवास से बोलते हैं इसको, एकदम किसी भी एंगल में ये वीडियो कट नहीं होना चाहिए। हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय मतलब यानी कहीं ना कहीं भारत एक जाति आधारित देश है, आज कई समुदाय हैं, कई वर्ग है, हम लोग किसी को नाराज नहीं करेंगे। अभी गिरिडीह का देखिए लिस्ट जारी हुआ है पर्यवेक्षक का, भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी का, गिरिडीह में जिन मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो कुर्मी और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय का है, लेकिन उस लिस्ट में एक भी चेहरा उस समुदाय का नहीं, यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता लोकल पार्टी है समाज नहीं, एक लोकल भी नहीं है, यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय का समर्थन नहीं करती है। अब बताइए उनका 42 गो नाम है, 42 में एक भी मुस्लिम नहीं है, क्यों भाई, जिसकी आबादी इस राज्य में 15% है। अब हम क्या कह रहे हैं सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट, धनबाद लोकसभा के लिए पूरे होश और हवास में कह रहे हैं अगर राजकुमार मंडल हमारे प्रत्याशी होंगे, क्योंकि मंडल समाज की आबादी है उस, यानी अगर सामाजिक न्याय की बात करें तो मंडल के साथ भी जाना कोई गलत नहीं होगा, अल्पसंख्यक के साथ जाना कोई गलत नहीं होगा, कुर्मी के साथ जाना वहाँ कोई गलत नहीं होगा, वहाँ सरनों की भी अच्छी खासी आबादी है, आदिवासियों की भी आबादी है, दलितों की आबादी है, तो कुल मिलाकर सामाजिक न्याय वही होता है कि जिनकी आबादी है उनको रोटेशन के तहत मौका मिलना चाहिए। क्योंकि मान के चलिए अगर 4-5 कास्ट ऐसे हैं जिनकी बराबर आबादी है तो एक ही बार तो आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन रोटेशन पॉलिसी के तहत दे सकते हैं। धनबाद लोकसभा हम लोग उम्मीदवार खोज रहे हैं और हमें लगता है सबसे उपयुक्त उम्मीदवार जो होंगे वो राजकुमार मंडल होंगे, चूंकि इनका फेस वैल्यू है। तो अगर राजकुमार मंडल वचन देते हैं कि जेबी केसेस के प्रति आस्था और श्रद्धा रखेंगे तो हम कल ही घोषणा करेंगे, रायशुमारी करेंगे, मीटिंग बुलाएंगे और हम राजकुमार मंडल हमारे धनबाद लोकसभा के उम्मीदवार हो। अच्छा, अभी तक चंदन क्यारी से कोई भावी विधायक नजर नहीं आ रहा? नहीं, भावी विधायक अभी नजर भी नहीं आएगा, वह दुर्गा पूजा और मनसा पूजा के बीच नजर आएगा, जब लोकसभा का चुनाव पार हो जाएगा उसके बाद, अगर कोई ऐसा लिख रहे हैं तो हमारे संगठन की विचारधारा के खिलाफ है, अभी कोई भावी प्रत्याशी भावी उम्मीदवार कहीं नहीं है। अच्छा, आपके ही क्षेत्र से महावीर झारखंडी जो जानते ही होंगे वो लिख रहे हैं कि राजकुमार मंडल जी को केंद्रीय प्रवक्ता बना दीजिए। देखिए राजकुमार मंडल जी को तो हम कल का बना देंगे, लेकिन चूंकि राजकुमार मंडल को बीजेपी वाले भी प्यार करते हैं, मासस वाले भी प्यार करते हैं, कांग्रेस आजसू वाले भी प्यार करते हैं, अगर एक पार्टी में आ जाएंगे तो इनका प्यार घट जाएगा। हम नहीं चाहते कि ऐसा इंसान, एक भारी इंसान जिसको भारी भारी प्यार मिलता है वो एक पार्टी का बन के रहे। अभी इनको मुझे बनना भी नहीं है। हाँ, तो हम बस आपके लाइव के माध्यम से अगर आप लोकसभा के बारे में सोच रहे हैं तो आइए, स्वागत है। नहीं नहीं, और हम लोग घोषणा कर देते हैं, नेतागिरी नहीं करना है हमको। यही हमारे राज्य का दोष है, यही हमारे देश का दोष है कि पढ़े लिखे लोग नेता नहीं बनना चाहते हैं। आज शर्म करते हैं नेता नाम से, आज शर्म करते हैं अगर कोई किसी को नेता बोला तो शर्म करता है। जी नहीं, आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले आप याद कीजिए, नेता नेताजी बोस को बोला जाता था, लेकिन आज इन नेताओं ने नेता शब्द के स्तर को गिरा दिया है। आज जयराम महतो ये वचन लेता है कि झारखंड में उस नेता के शब्द का उत्थान करेगा, उस नेता का जो नेतृत्व का अर्थ होता है उसका उत्थान करने का ये दृढ़ संकल्प हम लेते हैं। इसलिए आइए, बड़े शर्म की बात है राजकुमार भैया, जो आपके मुख से आता है कि हमको नेतागिरी नहीं करना है, नेतागिरी करनी चाहिए। आज एक बात बताइए, आज लोग कहते हैं नेतागिरी, मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि नेतागिरी का मतलब क्या होता है। आप नेतागिरी करते हैं,
पहले आप समझिए किसने कहा आप नेतागिरी नहीं करते हैं। आप जो उन बच्चों को खाना खिलाएं, उनको जो बेड दिलाएं, वो भी नेतागिरी का पार्ट है। नेतागिरी मतलब क्या? नेतृत्व करना, लोगों की मदद करना। नेतागिरी का मतलब नहीं है कि चुनाव में भाग लेना, पहले नेतागिरी का मतलब समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीडरशिप। मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूँ। मान के चलिए आप किसी का एक्सीडेंट हुआ है और पूरी तरह डैमेज है, हॉस्पिटल आप उससे देखने गए, मान के चलिए उसका नेगेटिव रिजल्ट होने वाला है कि वो शायद ना ही बचे, लेकिन फिर भी आप क्या बोलेंगे उसको? ये नहीं बोलेंगे तुम मर जाओगे, आप बोलेंगे हौसला रखो, तुमको कुछ नहीं होगा। आपने जो ये शब्द कहा हौसला रखो कुछ नहीं होगा, यही लीडरशिप का पार्ट है, यही एक लीडर का पार्ट है। वही शब्द जो कंधे पे आपने हाथ दिया और क्या कहा, हौसला रखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये लीडर का पार्ट है। तो क्या वो वोट वाला नेता था? तो नेता मतलब केवल वोट वाला नहीं होता है, इस चीज को पहले समझिए। हौसला देना, सहयोग करना, साथ खड़ा होना, मजबूती देना, बल देना, ये कहते हैं नेतागिरी का लक्षण। और राजकुमार मंडल भी नेता है, शैलेश भी नेता है, यहाँ तमाम जितने साथी हैं, पोंगा पोंगा भी नेता है। सुनील कुमार यादव लिख रहे हैं कि कुछ लोगों को पत्रकार भी रहने दीजिए। ठीक है, पत्रकारिता अलग विषय है, पत्रकारिता का हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि पत्रकारिता के लोग अगर उनमें लक्षण है पॉलिटिक्स करने का तो उनको हम लोग मौका ना दें। हम तो चाहेंगे पत्रकारिता से जुड़े लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी जज को राज्यसभा भेज सकती है, जजों को राज्यसभा लेके जाती है, तो हम लोग पत्रकार को क्यों नहीं लेके जाए? अच्छा, लिख रहे कि आहिर लोग जयराम को पसंद नहीं कर रहे, खेसारी लाल कार्यक्रम का विरोध करते हैं। देखिए ये गलत भावना है, बिल्कुल दुर्भावना है। कुर्मियों के बाद अगर हमें सबसे ज्यादा कोई पसंद करता है तो आहिर लोग करते हैं, आप पता कर लीजिए, ये गलत भावना है। तो आप और हमने पहले कहा कि कलाकार की कोई सीमा नहीं होती है, हमारा कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं होगा। अब कुछ लोगों ने क्या कहा उस पर हमने सुना भी नहीं है, पहले बात जान लीजिए। हम लोग स्पष्ट कहें, जिस पर पक्षियों की कोई सीमा नहीं होती है, गुनगुनाते हुए कहीं जाता है, कलाकार की कोई सीमा नहीं होती है। लास्ट सवाल ले लेते हैं, फिर लिख रहे हैं कि सीजीएल के बारे में कुछ सोचिए भैया। आपको सीजीएल के बारे में हम लोग सोच चुके हैं, जगह जगह चौक चौराहा पर राज्य में आंदोलन होगा, आक्रोश रैली होगी, कैंडल मार्च होगा, सीजीएल में हम स्टूडेंट के साथ है।